क्या आपने कभी सुना है कि रेलवे ट्रेन के एसी डिब्बे में सेक्स करने की फैसिलिटी देता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे ये कैसे पॉसिबल है और क्या ये बात सच है कि कोई भी पैसेंजर एसी कोच में टिकट बुक करके सेक्स सर्विस का लुत्फ़ उठा सकता है। आखिर रेलवे है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ये हमारे इंडियन रेलवे से जुड़ी न्यूज़ है या किसी और देश की रेलवे से, तो आगे आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो वीडियो को एंड तक देखिए। दरअसल ये खबर इंडियन रेलवे की नहीं है, जी हाँ सही सुना आपने, ये अजीबोगरीब सर्विसेज की पेशकश पाकिस्तानी रेलवे की तरफ से की गई है। वो पाकिस्तान जहाँ का रेलवे सिस्टम पहले से ही अस्त व्यस्त चल रहा है, कभी उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से डेटा लीक हो जाता है तो कभी कुछ और। ठीक इसी तरह का मामला सामने आया है जब पाकिस्तान रेलवे के टिकट सिस्टम को हैक कर लिया गया है। मामला 30 सितंबर का बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के टिकट सिस्टम को एक हैकर ने हैक कर लिया और उसके टेक्स्ट को बदल दिया था। बाद हैकर ने कुछ यूं किया कि पाकिस्तानी ट्रेनों के एसी टिकट पर ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा है सेक्स सर्विस अवेलेबल एसी क्लास ओनली, मतलब एसी क्लास में सेक्स करने की सुविधा उपलब्ध है। जब भी कोई एसी क्लास का टिकट ले रहा था तो टिकट पर ये टैगलाइन लिखी हुई आ रही थी। इसे लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने रेलवे द्वारा दी जा रही इस सुविधा को देखकर हैरत अंगेज में पड़ गए। जब पाकिस्तानी लोगों ने एसी के टिकट में ऐसा प्रिंट देखा तो वे भड़क उठे और यात्रियों ने टिकट बुकिंग कार्यालय में हंगामा करके इस हरकत का विरोध जताया। हालांकि सोशल मीडिया पर ये रेलवे टिकट वायरल हो गया, जिसके बाद पाक रेलवे ने अपने टिकट सिस्टम में सुधार करना वाजिब समझा। आप पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का ये 1 अक्टूबर का ट्वीट देख सकते हैं, जहां वो पाकिस्तान रेलवे की गलती की सफाई दे रहे हैं कि ये सारी गड़बड़ी हुई है। उर्दू में लिखे इस लेटर को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि थाल एक्सप्रेस के टिकट सिस्टम को हैक करके उसमें यह छेड़खानी की गई थी। यह सिस्टम एक प्राइवेट ठेकेदार के पास है। रेलवे के टिकट सिस्टम को हैक कर लिया गया है, लेकिन अब इसे रिकवर करते हुए हैकर से वापस ले लिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।